हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और उसमें हमने स्टार्ट किया था अकाउंटेंसी का, जो आपका चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसके फंडामेंटल्स यहाँ पर आप सीख रहे हैं। तो ऑलरेडी कुछ लेक्चर यहाँ पर हमने कवर कर लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स के बारे में, कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितने टाइप के होते हैं और किस टाइप से आप उनको प्रिपेयर करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात तो यहाँ पर हमारे सामने ये आती है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स और एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग। कैपिटल अकाउंट्स तो दो तरह के हुए, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि फिक्स्ड में और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है और दोनों को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, क्योंकि चाहे आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो या फिर आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, दोनों में ही इस चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं कि अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई फिक्स्ड वाले कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनते हैं, सब लोग ध्यान रखेंगे, फिक्स्ड में दो बनेंगे। कौन कौन से? एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करंट। अब इसमें क्या क्या आइटम्स आने हैं समझते हैं। देखिए, अगर मैं डेबिट साइड पे बात करूं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे, है ना। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई जो हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा वो आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा। अगर कोई ओपनिंग बैलेंस है तो यहां पर आप दिखाएंगे इस तरह से, बाय बैलेंस बीडी। सपोज कर लेते हैं दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, तो जो भी इनका ओपनिंग बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा। अगर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है तो बाय कैश या फिर बैंक अकाउंट के नाम से शो किया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या है? एडिशनल कैपिटल है ये। अगर कोई सा पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेता है परमानेंटली, तो उस परमानेंटली का मतलब यह है कि इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो आप दिखाएंगे टू कैश या फिर बैंक। ध्यान रखेंगे, एक तो होती है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, जिसको आप ड्रॉइंग्स के नाम से शो करते हैं, लेकिन यह है ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये कैश या बैंक के नाम से शो किया जाता है। क्या है ये? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल या फिर ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल के नाम से भी लिखा हुआ मिल सकता है। और फाइनल जो लास्ट चीज यहां पर आप देखेंगे वो होगा टू बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। बस ये चार आइटम्स हैं, चार चीजें हैं जो आती हैं किसमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अगर हम बात कर रहे हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट की। इसी तरह से आप देखते हैं भाई कि अगर पार्टनर्स कैपिटल जो फिक्स वाले हैं उसका जो पार्ट टू होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट, वो हमें प्रिपेयर करना है, तो उसमें क्या क्या आएगा। आइए समझते हैं, क्या देखना चाह रहे हैं आप कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। तो सेम कहानी, इधर डेबिट साइड है इसकी और इधर क्रेडिट साइड है। अब आप देखिए कि अगर हम बात कर रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की, तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले इसका कोई अगर ओपनिंग बैलेंस है तो बाय बैलेंस बीडी यहां पर रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखें कि ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स को हमने जो भी दिया या जो भी पार्टनर से लिया वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में आता है,
तो पार्टनर्स को ड्यूरिंग द ईयर हमने जो कुछ दिया वो यहां लिखा जाएगा, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर्स सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो भी चीजें डेबिट साइड में आती हैं वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाती हैं। यही चीजें तो थी। देखिए पार्टनर का रेंट पीएल एप्रोप्रिएशन में तो आता नहीं है, इसीलिए यहां पर भी नहीं आएगा, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन लोन पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता, इसीलिए यहां पर भी नहीं आएगा। इस बात को समझना है हमें। और फाइनली लास्ट में आप देखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये क्या है, ये आप लेकर आए हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप बिल्कुल लास्ट में करते हैं ना, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वही चीज है ये। इसके अलावा डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में आप देखेंगे सबसे पहले ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग से भी पहले ये हो सकता है कि भाई जो इसका ओपनिंग बैलेंस है वो निगेटिव चल रहा हो, ओपनिंग बैलेंस कैसा होगा निगेटिव। यहाँ पे टू ड्रॉइंग्स अब आप देख रहे हैं भाई, यहाँ पर भी हमने ड्रॉइंग्स का जिक्र किया था, लेकिन इनका नाम ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ये होती है नॉर्मल खाली वर्ड लिखा हो ड्रॉइंग या लिखा हो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। ये वाला इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। फिर आप देखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसके अलावा लास्ट में टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा। क्यों आएगा, लॉस को शो करने के लिए, तो शेयर ऑफ लॉस शो करने के लिए आएगा। और फाइनली लास्ट में जब आप देखेंगे तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, इसका क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसने पैसा निकाल ज्यादा लिया हो या लॉस ज्यादा हुआ हो इस बार, तो उस केस में बैलेंस जो है आपका इधर नजर आ सकता है बाय बैलेंस सीडी के नाम से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि एक बार में कोई एक ही चीज हो सकती है, या तो ये होगी या ये होगी ओपनिंग के टाइम पे, और क्लोजिंग के टाइम पे भी या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, इनमें से कोई एक ही चीज मिलेगी हमें क्लोजिंग के। ये हमने देखा कि भाई अगर आप फिक्स्ड वाले कैपिटल अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या शो करना होगा, क्या क्या आइटम्स यहां पर आने हैं। अब हम देखेंगे कि अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाएं तो वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे, इनको देखिए समझिए नोट कीजिए, और हम चलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। आइए अब हम बात करते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स की। तो देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जो होता है उसमें से एक ही अकाउंट प्रिपेयर किया जाए जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड, तो किस तरह से आइटम्स यहां पर शो किए जाएंगे समझते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो दो बने, दो में से जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वहां पर सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं आपके, यानी कि पैसा आया और पैसा गया जो ड्रॉइंग्स थी, सिर्फ वो रिकॉर्ड की गई है ना। और ड्यूरिंग द ईयर जो भी कर रहे हैं, यानी कि जो भी मिला आपसे या फिर आपसे जो भी हमने लिया वो करंट अकाउंट में दिखाया। लेकिन जब हम देखें यहां पर बात फ्लक्चुएटिंग मेथड की, तो इसमें जो ड्यूरिंग द ईयर वाले ट्रांजेक्शन है और जो कैपिटल ट्रांजेक्शन हैं वो सारे एक ही जगह पर हो जाएंगे। अगर हम डेबिट साइड की बात करते हैं और क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो किस तरह से चीजें आएंगी समझिए। सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग बैलेंस शो कर देंगे आप, ठीक है ना, जो भी पार्टनर्स हमारे पास हैं उनका ओपनिंग बैलेंस। लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि ओपनिंग बैलेंस निगेटिव हो, यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो आप इधर दिखा देंगे बाय बैलेंस
बी डी। तो आइदर ऑफ द टू विल अपेयर, या तो डेबिट साइड में होगा या क्रेडिट साइड में होगा, दोनों में से कोई एक ही हो सकता है एक बार में, भाई दोनों एक साथ थोड़ी हो जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि पूरे साल में और क्या क्या हुआ। हो सकता है भाई किसी पार्टनर ने कुछ पैसा इंट्रोड्यूस कर दिया हो, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो, तो टू कैश या बैंक के नाम से आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस किया है तब आएगा। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से टू आईओसी, टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स कमीशन, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ठीक है ना। तो आपने देखा भाई जो हमारे करंट वाले पार्ट से वो भी यहां पर आ रहे हैं, फिक्स में जो था है ना, और कैपिटल वाले भी सारे एक जगह पे आ गए, सारी क्रेडिट वाली चीजें एक जगह पे मिला दो। और इधर आ जाइए, सबसे पहले बाय कैश या बैंक, ये थी आपकी जो परमानेंट ड्रॉइंग्स हैं, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और फिर अगर आपने किया है ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट तो बाय ड्रॉइंग्स के नाम से ये आ जाएगा। फिर आप देखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, फिर आप देख रहे हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या दिखा रहा है, ये लॉस दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा था, प्रॉफिट। और इसके बाद फाइनली बाय बैलेंस सीडी, अगर पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है तो इधर नजर आएगा, और अगर नेगेटिव बैलेंस बच रहा है तो इधर नजर आएगा, टू बैलेंस सीडी। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए प्रोसेस कुछ इस तरह से चल रहा है कि सबसे पहले आपने क्या काम किया, सबसे पहले आपने भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, सारे चार्जेस वगैरह उसमें डाले है ना, और वहां से आपको नेट प्रॉफिट मिल गया, उस नेट प्रॉफिट को उठा लाए और कहां रख दिया, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वहां से आपको जो सारी चीजें मिली, जो पार्टनर्स के पास गई और जो प्रॉफिट गया, या फिर हमने जो पार्टनर से लिया और जो प्रॉफिट आया वो चला गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहां से ही जो सीडी बचा है ना, ये काम में आता है बैलेंस शीट में। तो जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ता है, और ये रहा फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो हमने फिलहाल देखा कि दो तरह के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। चलिए आगे बात करते हैं, आइए अब हम बात करते हैं रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स के बारे में, यानी कि पार्टनर्स की अगर सैलरी है या कमीशन है तो उसका हमें क्या करना है। देखिए समझते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि जो रेम्यूनरेशन है ये एप्रोप्रिएशन होती है, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आनी है, और ये तभी प्रोवाइड किया जाएगा जब आपको प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन अगर कभी किसी केस में इसको चार्ज बना दिया जाए तो अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगी और आपको इसको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो या ना हो, ठीक है ना। अब इसमें देखिए दो तरह की बातें हमें मिलती हैं, स्पेशली कमीशन के बारे में। तो कमीशन में दो बातें क्या मिलती हैं, एक आपको लिखा हुआ मिलेगा, देखिए बिफोर चार्जिंग कमीशन, यानी कि एक स्पेशल परसेंटेज दे रखी है और साथ में लिखा हुआ है कि बिफोर चार्जिंग कमीशन, और दूसरा केस हमें मिलता है एक पर्टिकुलर परसेंटेज आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर वाले में आपको क्या करना है कि जो भी आपके पास वैल्यू है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट गिवन है जिसकी आपको परसेंटेज फाइंड करनी है, उसको नॉर्मली रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर आप आफ्टर की बात कर रहे हैं तो जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें आप क्या करेंगे, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो अगर नॉर्मल कहा गया है बिफोर चार्जिंग कमीशन तो इस तरह से,
और आफ्टर चार्जिंग कमीशन में क्या करना है कि सबसे पहले ये जो भी आपके पार्टनर्स हैं उनकी जो भी कमीशन दी गई है वो सारी माइनस करेंगे, और जिस पर्टिकुलर पार्टनर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं आफ्टर वाला, तो प्रॉफिट में से बाकी पार्टनर्स की कमीशन माइनस करने के बाद जो बचेगा उसको रेट अपॉन 100 प्लस रेट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। कैसे करना है आइए समझते हैं। सपोज कीजिए कि दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, जिनको प्रॉफिट होता है 55,000 का। तो प्रॉफिट कितना है 55,000 का। अब इसमें क्या हुआ, कमीशन प्रोवाइड करनी है भाई, तो कमीशन प्रोवाइड करनी है हमें एक्स को। तो एक्स के लिए कहा गया है कि ये 10% कमीशन चाहता है बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर हम बात करें वाई के बारे में, तो ये भी 10% कमीशन चाह रहा है लेकिन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो इन दोनों चीजों में क्या फर्क है आइए इसको समझते हैं, और इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो किस तरह करेंगे इस बात को भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई अवेलेबल प्रॉफिट कितना है। अवेलेबल प्रॉफिट 55,000 है, तो यहां पर करेंगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 55,000 क्योंकि प्रॉफिट को इधर दिखाते हैं। अब यहां से आपने क्या देखिए, 2x कमीशन, तो x की कमीशन प्रोवाइड करनी है। क्या लिखा हुआ है, 10% और बिफोर चार्जिंग कमीशन कहा जा रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे बिफोर में बताया गया जो भी प्रॉफिट है उसकी नॉर्मली क्या करेंगे आप, रेट अपॉन 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसका मतलब 55,000 का 10% निकाल लीजिए तो 5500 आ गया। ये तो एक आसान सी बात हो गई ना। अब समझिए, अब आपसे कहा जा रहा है वाई के बारे में। वाई कह रहा है मुझे भी कमीशन चाहिए लेकिन 10% चाहिए आफ्टर चार्जिंग द कमीशन। तो 10% आफ्टर वाला कैसे निकलेगा, देखिए 2y कमीशन आफ्टर के लिए बताया गया कि अगर क्वेश्चन में किसी और पार्टनर की कमीशन है तो पहले सो उसको माइनस करिए। तो 55,000 का प्रॉफिट है, 5500 की x की कमीशन दे रखी है, तो पहले इसको माइनस करेंगे। अब जो बचेगा उसको 10/110 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपके पास बचेगा 49,500 इंटू 10/110, तो ये आ गया 4500। क्या इतनी बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि 4500 कहां से आया। सबसे पहले क्या करना है कि जो आपका टोटल प्रॉफिट है उसमें से अगर कोई और सी कमीशन क्वेश्चन में अवेलेबल है तो उसको माइनस करेंगे। जो फिगर आपके पास बचेगी उसका 10/ यानी कि रेट अपॉन 100 प्लस रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया 4500। अब क्या करेंगे भाई, अब क्योंकि हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं तो जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स का, तो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट था 55, 10 चले गए तो 45 बचा। इस 45 को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, कोई रेशो तो है नहीं इस क्वेश्चन में हमारे पास, तो आधा आधा कर देंगे 22,500 और 22,500। यहां पर टोटल आ जाएगा 55,000 और 55,000। तो यहां पर हमने देखा कि भाई पार्टनर्स की अगर आपको सैलरी या कमीशन प्रोवाइड करनी है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन में किस तरह की कहानी आपको सुना सकता है। तो इसी तरह के और क्वेश्चंस आप लोग भी प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं इस टॉपिक को और क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3:2:1। इट अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। As per the partnership deed, they are agreed to charge 20% of the profit after charging such commission, which they will share in 2:3:2:3. You are required to show the appropriation of profit among the partners. तो ये नहीं कह रहा profit and loss appropriation बनाइए, बस ये कहा गया है ये बता दीजिए किसको कितने रुपए मिलने हैं कमीशन के और प्रॉफिट के।
तो समझिए सबसे पहले भाई, अवेलेबल जो आपके पास प्रॉफिट है वो है 1,80,000, ठीक है ना। और कमीशन जो चाहिए वो 20% है, और कहा गया है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब 1,80,000 का 20/120 करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर लगा दिया ना, तो आफ्टर वाला केस अभी आपने सीखा है, तो ये कमीशन आ जाएगी 30,000 की, ठीक है ना। यहां पर 6 आ गया, इसको काटेंगे कितना आएगा 30,000। अब ये 30,000 की जो कमीशन है, ये चार पार्टनर्स को रखनी है आपस में, ए बी सी और डी को, और रेशो बताया गया है कि कमीशन इनको रखनी है 2:3:2:3 के हिसाब से। तो कैसे करेंगे देखिए, 30,000 का 2/ कितना हो गया 10, इसका मतलब 6,000 ए को मिलेंगे, फिर जब यहां पे 3 आ जाएगा तो 9,000 इसको मिलेंगे, फिर 6,000 इसके और 9,000 इसके। तो आपको शो ये करना था कि भाई किसको कितने रुपए मिलेंगे ये बताइए कमीशन के। और अब अगर हम देखें बचा हुआ कितना प्रॉफिट है, तो रिमेनिंग जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा वो कितना बचा, 1,80,000 रुपए हमारे पास थे, इसमें से चले गए 30,000। अब जो अमाउंट बचा कितना बचा, 1,50,000, और ये 1,50,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा किस रेशो में, 4:3:2:1 में। तो ये आप लोग यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करके देख सकते हैं, ए बी सी और डी के लिए। अच्छा आपको ना इस तरह से नहीं करना, आप तो प्रॉपर लिखेंगे कि अमाउंट ट्रांसफर टू ए, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बी, प्रॉफिट ट्रांसफर टू सी, इस तरह से प्रॉपर आपको काम करना है। तो आप क्या करेंगे देखिए, 4:3:2:1 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 1,50,000 रुपए को। तो 1,50,000 इंटू 4 बाय कितना हो गया देखिए, 7, और ये हो गया 10, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 60,000। फिर जब यहां 3 हो जाएगा तो 45,000, 2 हो जाएगा तो 30,000, और लास्ट में 15,000 बचेगा। तो इस तरह से आप लोग शो कर देंगे कि किस पार्टनर को कितना अमाउंट मिलेगा कमीशन का और प्रॉफिट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाकर दिखाते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग द कमीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर की सैलरी है वो माइनस करने के बाद जो कुछ बचेगा उसका 10% इसको दे देंगे हम। वाई इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल द सैलरीज एंड कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरी एंड कमीशन वॉज 4,20,000। आइए समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले प्रॉफिट देखेंगे भाई, बाय पीएल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितने रुपए आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए हैं 4,20,000। फिर कहा गया देखिए, टू एक्स सैलरी और टू वाई सैलरी। एक्स की सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ, तो पूरे साल में हो जाएंगे इसके 1,20,000, और वाई की सैलरी है 25,000। ये आ गया 25,000। अब कहा गया है टू एक्स कमीशन। देखिए क्या कहा गया था कि एक्स को हमें कमीशन देनी है सारी सैलरी माइनस करने के बाद जो कुछ बचेगा उस वैल्यू पे। तो आप अगर देखें तो प्रॉफिट कितना है भाई, 4,20,000, और जो टोटल सैलरी है वो है 145 की, 1,45,000।
तो ये हमारे पास बचे 275, तो 275 का 10% इसका मतलब 27500 ये वैल्यू मिल जाएगी x को। अब आप देखेंगे 2 y's कमीशन, जब आप y की बात कर रहे हैं तो y के लिए कहा गया था आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी एंड कमीशन, तो क्या मतलब हुआ कि भाई अब तक आप टोटल जितना भी खर्चा कर चुके हैं प्रॉफिट में से, इसका मतलब कि 4,20,000 में से माइनस कर देंगे सारी वैल्यू, तो ये आपका हो गया। देखिए 145 तो यही था, और इसमें से माइनस कर देंगे 27,500, तो वैल्यू बचेगी आपके पास 247500। और इस पे भी कहा गया है कि आफ्टर लगा हुआ है और 10% है, तो 10% का मतलब हो गया 10/110 लिखा जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए तो यहां पता लग गया कि भाई y को कितनी कमीशन देनी है। तरीका समझिए किस तरह से कैलकुलेट की गई है। और फाइनली 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू x कैपिटल अकाउंट एंड y कैपिटल अकाउंट। अब आप यहां पर देखेंगे भाई प्रॉफिट कितना बचेगा, तो 4,20,000 में से माइनस किए जाएंगे 22,5,000। और इस क्वेश्चन में रेशो तो गिवन है नहीं, तो दोनों पार्टनर्स को इक्वली डिवाइड कर देंगे, दोनों को मिल जाएगा 112500 और यहां पर टोटल आ जाएगा 420, और यहां पर भी टोटल आ जाएगा आपका 420। ये हमने सॉल्व कर लिया अपना क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आज हमने देखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस टाइप से प्रिपेयर करते हैं, और अगर पार्टनर्स की सैलरी या कमीशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें किस तरह से हमें सॉल्व करना है। अब आपको करना क्या है बेटा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।